माइक लाया जाए। जॉनी भाई मैं अकेला रहता हूँ, देखो सब परेशान कर रहे हैं मुझे, ये बंद करो, ये बंद करो, ये बंद करो, क्या क्या बंद करवा रहे हैं। जॉनी भाई के लिए एक बार हाथ ऊपर करके जोरदार ताली होनी चाहिए। जॉनी हम दोनों मिल के बात करेंगे, ये सब मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं बुला लूँ थोड़ा। मुझे क्या, कैसे परेशान करना चाह रहे हैं आप? नहीं मैंने, ये लोग करेंगे, मैं तो सीधा आदमी हूँ। जॉनी भाई इतनी सीरीज आ गई है, चौथा पार्ट है ये, गोलमाल अगेन नाम है, कैसा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? ये इतने सफ़र, इतने सारे, रोहित शेट्टी साहब ने आपको प्रश्न किया? अभी नॉर्मली कोई सवाल पूछता है ऐसे तो बोलते कमाल था, बहुत अच्छा था। मैं बताऊं कि वाकई कमाल था। बहुत ही एंजॉय किया मैंने और इतना मज़ा आया मुझे, दिल से कह रहा हूँ। मैंने गोलमाल 3 में बहुत एंजॉय किया था, लेकिन गोलमाल 4 में इससे ज़्यादा एंजॉय किया। सब ने बहुत अच्छा काम किया, सबका अच्छा काम है। रोहित शेट्टी का जवाब नहीं है, और हमारे साजिद फरह साहब, इनकी राइटिंग और इनका जो भी है बढ़िया, आप एंजॉय करेंगे। बढ़िया सा फिल्म है और मुझे अच्छा लगता है जब मैं बाहर जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं गोलमाल 4 में आप हैं गोलमाल, कभी आ रही है गोलमाल 4? लोगों को जो इंतज़ार है ना, बाकी इतना अच्छा लगता है क्योंकि रोहित शेट्टी कुछ ना कुछ मसाला निकालता है, कुछ ना कुछ आइटम डालता है इसके अंदर। कहीं गाड़ियाँ उड़ा रहा है कि क्या उड़ा रहा है। इस फिल्म में हम लोगों को जो उड़ाया उन्होंने वो आप देखेंगे। हमारी खिल्ली उड़ाई है और ज़बरदस्त वो है। और क्या रोज़मर्रा की चीज़ें जो होती है हमारे जो करंट टॉपिक्स होते हैं उस पर से कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश करते हैं जो हम देखते रहते हैं। और हमारे देश में मालूम है एक से एक कैरेक्टर्स हैं, दुनिया भर का मसाला जो हमारी इस कंट्री में मिल सकता है। हम लोग बहुत खुश नसीब लोग हैं, अपने को चलते फिरते लोग मिल जाते हैं, उसमें कॉमेडी आती है। और रोहित शेट्टी क्या है कि इनकी हर फिल्म जो भी होती है इसमें हर चीज रोमांस, ये वो स्टंट वंट सब होता है, लेकिन ह्यूमर के साथ, ये खूबी है। हंसते हंसते आप इंजॉय करिए एंड तक, ये मामला है। जैसे हमारे, जैसे मैंने कहा कुछ भी होता रहता है हमारे देश में। अभी देखिए एक पेशेंट जी अस्पताल से भाग रहा है, उसको देख के लग रहा था ये ऑपरेशन थिएटर से भाग रहा है। एक पेशेंट अस्पताल से भाग रहा है, उसके पीछे डॉक्टर्स भाग रहे हैं, वार्ड बॉय भाग रहे हैं रोड पे, वो भाग रहा है पेशेंट, कूद कूद के भाग रहा है, रोड क्रॉस करके भाग रहा है, डॉक्टर भी भाग रहे हैं। अब कैसा लग रहा है, पेशेंट भाग रहा है, डॉक्टर्स भाग रहे हैं, वार्ड बॉय भाग रहे हैं, तो पब्लिक देख रहा है ये क्या हो रहा है, पब्लिक भी भाग रही है, ये क्या हो रहा है यार। पेशेंट जान लेके भाग रहा है, कूद कूद के भाग रहा है, ये भी भाग रहा है। आखिर में पेशेंट हाथ से निकल गया, डॉक्टर्स, किसी ने पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ, बिल नहीं दिया? नहीं यार। किसी नर्स को छेड़ा? क्या हुआ, क्या नॉन सेंस, उल्लू का पट्टा, ये चौथी बार क्या, दिस इज फोर्थ टाइम। सर क्या हुआ, सर हुआ क्या, साला ब्रेन का ऑपरेशन करने आता है, बाल कटवा के भागता है। जॉनी भाई क्या बात, ऐसे से कैरेक्टर्स हमारे यहाँ है। ये आप लोगों का प्यार है जो हम लोगों को जिंदा रखता है। और जिस देश में प्यार है, इस देश में लोग प्यार करते एक दूसरे से। रास्ते में कोई झगड़ा कर रहा हो, एक दो बंदे झगड़ा कर रहे हैं, तो तीसरा आके छुड़ाता है बेचारा, काम छोड़ के अपने गाड़ी से उतर के। ये इसी देश में है, लेकिन अभी ज़रा बदल गया है जी, बिल्कुल है ना, अभी ज़रा बदल गया। गोलमाल 3 से 4 अलग होना चाहिए ना, ज़रा बदल गया। वो क्या बदलाव देंगे आप इसमें देखेंगे आपको। तो क्या अभी आपके आज अगर दो बंदे झगड़ा कर रहे हों तो तीसरा आके छुड़ाता नहीं है, वीडियो करता है। सही बात है। झगड़ने वालों को मजा आता है, चले चलिए हाथ में लगाना, ए चल तू जानता है मेरे को, तू जानते उंगली नहीं दिखाए, मुंडी नहीं चुके, चले हट बे, चला उठा के ले जाऊंगा, क्या उठा के ले जाऊंगा, क्या हमारे लिए कह रहा हूँ, हमारे तू ए फालतू उंगली नीचे कर, मुंडी नीचे कर, ए गाली बत, गाली तूने दी, ए तूने दी, पहले तूने गाली, ए मैंने नहीं, पहले तूने गाली दी, तूने गाली दी, तूने गाली। एक मिनट भाई साहब, आप वीडियो कर रहे थे ना, इधर थोड़ा रिवाइंड करना प्लीज सर, प्लीज बताना किससे गाली दी पहले यार, बताइए क्या कह रहा है, बताइए देख सारा तूने गाली दी भाई साहब, मेरे को सेंड करना प्लीज। लाइफ बदल गई।
तो ऐसे मसालेदार चीज़ें, ऐसी चीज़ें सेंड की हुई आपको रोहित शेट्टी ने, आप देखेंगे ट्रेलर क्या है, चावल देख के एक दाना देख के समझ जाते हैं आप चावल कैसा पक गया है, ट्रेलर देख के आप समझ जाएंगे फिल्म में क्या क्या पकाया हुआ है। जॉनी भाई के लिए जोरदार तालियां। अगेन अगेन गोलमाल, अगेन अगेन अनुराग, अगेन 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 अगेन, ये ले। शुभाशीष, गोलमाल से जुड़ना अपने आप में जो जुड़ा हुआ है, यहाँ से इतने देख रहे हैं, यहाँ पे इतने फैन क्लब आया हुआ है, क्या खास बात लगी इस फिल्म में, क्योंकि आप बहुत सारी फिल्में करते हैं आप लोग, गोलमाल ही क्या खास? सी पीपल फिल्म देखने आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, फिल्म्स आर मेड फॉर डिफरेंट रीजन, डिफरेंट टाइप्स, बट रोहित शेट्टी दिवाली में आ रहा है, दैट इटसेल्फ इज आइकॉन, राइट? I don't have to speak. Indians don't have to. क्या बात है? I mean the people will think later that what film is coming, but Rohit Shetty Diwali aa raha hai, this is a festival. So Diwali starts today for us and will continue for next one month. क्या बात है? बहुत बढ़िया। संगीता जी, कैसा रहा ओवरऑल ट्रेलर प्रोमो देखा? Unreal. जैसे सब लोगों ने यहाँ से एंट्री किया और जो एनर्जी मैंने आज देखा है यहाँ पे, really thank you so much, क्योंकि ऐसी एनर्जी मैंने पहले कभी नहीं देखी. सो थैंक यू एवरीबॉडी, और जो सपोर्ट सभी ने दिया है और जो हार्डवर्क सभी ने किया है, मतलब पहले से हम देखते आ रहे, मतलब इसकी जो शुरुआत हुई, रोहित जी को अच्छे से पता है ये कॉन्सेप्ट, ये स्टोरी, और फिर एक बार सोचना कि इसको हम बनाएं, तो इसमें कितना सारा गोलमाल था वी ऑल नो, एंड रोहित जी का एफर्ट्स इज अनरियल, अनरियल. ही इज अ मैन हु कैन टेक एवरीथिंग ऑन हिज शोल्डर्स. सो थैंक यू रोहित जी, I'm so proud of him and the whole team. Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड मैं बुलाना चाहूंगा अजय देवगन साहब को स्टेज पर, एक बार जोरदार ताली अजय के लिए. Come on. गोपा. ओके, क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू. उसके पहले रोहित, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा. सबसे पहले मैं राइटर्स को बुलाना चाहूंगा. प्लीज कम ऑन द स्टेज. थोड़ा नजदीक नजदीक नजदीक. रोहित, इतनी बड़ी स्टार कास्ट कैसे मैनेज कर लेते हैं? स्टेज छोटा था इसलिए आधे लोगों को बुलाए. अरे स्टेज छोटा है इसलिए, कैसे मैनेज करते हैं इन लोगों को आप? क्योंकि इनसे पूछ लो, मैं क्या बताऊं. ऐसा कौन बताएगा? सबसे पहले अर्शद आप बताएंगे कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? रोहित कैसे मैनेज करता है कि हम रोहित को कैसे मैनेज? नहीं, रोहित कैसे मैनेज करता आप लोगों को? रोहित के लिए बाएं हाथ का खेल है, मतलब बड़ी आसानी से मैनेज करता है. एक बार एक बहुत सिंपल सी बात हुई, जब व्हेन यू नो व्हाट यू डूइंग ना इन लाइफ, तो सब चीज़ें आसान हो जाती. रोहित का यही है, बड़ा क्लियर है वो अपनी फिल्म के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में, हर एक चीज़ के, हर एक छोटी बारीकी के बारे में इतना क्लियर है. और हम लोगों को किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, हम लोग आराम से बैठते हैं और रोहित को पूछते हैं क्या करना है, ये करना है, वो करना है, बस दैट्स इट. तो आई थिंक बड़ी आसानी से वो हम लोगों को संभाल चुका है. हम मेरे ख्याल से कुछ कितने एक्टर्स हैं इसके अंदर? 18 हैं बाकी लोगों को छोड़ के. तो इस आई होप अगले में और ज्यादा ना बढ़ जाए. अजय भाई, आपका पूरा फैन क्लब वहां मौजूद है, एक बार कहां भाई लो, ये देखिए. सबसे पहले आते से ओके, सबसे पहले आते से बंदूक लगा दी गई कि हम लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे आप पूछने देना. तो इनके बिहाव में मैं पूछ लेता हूं कि इतनी लंबी सीरीज चौथा भाग कैसा अनुभव कर रहे हैं और कितना ये जाएगा लंबा? यार बहुत मजा आ रहा है. हेलो एवरीबॉडी, क्या सवाल था? सवाल ये था कि चार एपिसोड हो चुके हैं, अभी कितने और जाएगा? आई थिंक ये 20-25 तो जाना चाहिए. देखिए, चार एपिसोड हुए हैं, वो हमारी वजह से नहीं हुए, वो इन लोगों की वजह से हुए हैं. क्या बात है, तुम लोगों की वजह से हुए यार. और आगे कितनी जाएंगी वो भी यही डिसाइड करेंगे, जितनी बार ये फिल्म देखेंगे, जितनी पसंद करेंगे, हम फिर से बनाएंगे. तो हम तो सिर्फ मेहनत कर सकते हैं. रोहित काम कर सकता है और यू नो रोहित वैसे भी बहुत मेहनत करता है, कुछ ज़्यादा ही मेहनत करता है. लेकिन डिसाइड तो अल्टीमेटली यही करते हैं ना, ये ऊपर वाले ने चाहे अगर सुपर हिट हो गई तो फिर अगली बनी. तो सबसे पहली बार जब आपको गोपाल कैरेक्टर सुनाया गया था, तो क्या नरेशन था, एग्जैक्टली क्या कैरेक्टर है, क्या बोला गया था सबसे पहले? फर्स्ट की बात कर रहे हैं? जी, फर्स्ट में को 11 साल हो गए. हाँ, 12वां चल रहा है. पिछले साल क्या हुआ था मुझे याद नहीं, तो 11 साल पहले.
आई थिंक आप लोग जो पूछना चाहें क्वेश्चन प्लीज आप पूछिए, बाकी बीच बीच में मैं आता रहूंगा। एंड में फोटो होगा सर आपके, मालूम आपके लिए आया यहाँ पे, और क्या है, वरना आप लोग घर में ही मिल सकते थे। हाय आलोक दिस साइड, आलोक सर आपके लेफ्ट में। हाँ सर, सवाल मेरा सभी सितारों से है जो भी इस फिल्म से जुड़े हैं कि गोलमाल आपके लिए कितनी खास है, क्योंकि हम जब टीवी पे भी देखते हैं या पिछली सीरीज, अभी तो 7 साल के बाद आ रही है ये सीरीज, कितनी खास है आप सभी सितारों के लिए गोलमाल? अगर तुषार आप शुरू करें, और रोहित सर अगर आप शुरू कर दें, और तुषार से पूछो। 4 फिल्में हो गई गोलमाल के, अब क्या कहूँ मैं, इट्स आई ऑलवेज सेड गोलमाल करना इज लाइक वर्किंग विद फैमिली, इट फील्स लाइक अ पेड वेकेशन। एंड मैं तो मैसेज करता रहता हूँ रोहित को हर 2 साल में, अरे यार कभी आ रहे वापस हम लोग, कभी आ रहे वापस हम लोग, कभी आ रहे। अभी सेड द राइट टाइम विल कम, एंड द राइट टाइम डिड कम। सो क्या कहूँ, आई एम स्पीचलेस, एज द मूवी सेज आई एम ऑलवेज स्पीचलेस इन द फिल्म, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ आल्सो। या अर्शद सर, आई थिंक पहली बार जब कहानी का पता चला था और जो स्टार कास्ट थी और जो माहौल था जिस तरह का, उस वक्त ही बड़ा अच्छा लगा था कि बड़ी सुलझी हुई प्यारी सी कहानी है और एक बहुत ही अलग ही किस्म का ह्यूमर है, क्योंकि ह्यूमर हम सब करते हैं, सारी फिल्में आता है, बट उसके बावजूद कुछ चीज़ अलग करना एक अलग ही किस्म का मस्ती है। और पहली बार मैंने नोटिस किया कि एक कॉमेडी फिल्म के अंदर बहुत ज़बरदस्त एक्शन है, विच इज़ अ जॉनर जो हम लोग ज़्यादा फेमिलियर नहीं है। आई थिंक ऑल दैट पुट टुगेदर ऐसा लगा था एक फिल्म बनेगी, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, और फिर ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद Part 2 हो गया, फिर Part 3 हो गया, Part 4 हो गया, और फिर अजय जैसा कहता है ना कि ये हमारे लिए पेंशन प्लान है, ये चलता रहेगा। अजय सर, तबू मैम, गोलमाल सर, इसे मेरा जवाब दे दिया जो मैंने कहा अभी कि ये पेंशन प्लान है सबका। तबू मैम आप बताएं। आई होप मेरा भी पेंशन प्लान हो। गोलमाल इज रियली रियली स्पेशल टू मी, मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है। मैं जब भी एक तो आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ द फ्रेंचाइज, मैं जितना गोलमाल देख के हंसी हूँ बहुत कम फिल्मों में हंसी हूँ, और मैं जब भी रोहित को मिलती थी कोई भी पार्टी में, मैं उसको बोलती थी आई हैव टू बी पार्ट ऑफ गोलमाल। एज टू टेल तुषार ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर कि मैं कैमियो कर लूँगी, बट आई रियली वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट होल गैंग एंड टीम, एंड आई कुड हैव आस्क फॉर एनीथिंग एल्स and I would have got it at that time, I think, because Rohit called one day and, I called one day and speaking about something and he said, yeah, there is something. And it was like, everything fell into place and I didn't even think it was so important for me to hear the script because I knew that he'll have something good for me in his film. So it's been great. Or I think pehli film hai jahan pe maine glycerin istemal nahi kiya puri film mein. आई एम सो हैप्पी कि मैं सिर्फ हंसी हूँ और मैंने अपने आप को बहुत बहुत इन्जॉय किया विद दिस होल गैंग, एंड ऑफकोर्स आई डोंट नीड टू से दैट ऑल द एक्टर्स हैव बीन माई फ्रेंड्स फॉर अ रियली रियली लॉन्ग टाइम, एंड इट्स बीन एक्चुअली लाइक अ पिकनिक, मतलब ये सब बोलते हैं लेकिन ये सचमुच पिकनिक के जैसा था। परी आप भी कुछ बताएं। मेरे लिए एक्चुअली बहुत बहुत ही सरियल फीलिंग है कि मैं वहाँ नहीं बैठी हूँ और मैं इस स्टेज पर हूँ, क्योंकि जब पहली गोलमाल आई थी तो मैं स्कूल में थी और मैं एग्जाम्स देते हुए आई वाज वाचिंग द फिल्म, एंड ऑब्वियसली मैंने कभी नहीं सोचा ये बोलना जरूरी था। मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। ओह गॉड, बट ऑब्वियसली मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि एवरी गोलमाल फिल्म हैज बीन, ये लोग शुरू हो गए अभी मुझे पता है। अजय भाई क्या बोल रहे हैं, अजय भाई कुछ बोल रहे हैं, अजय भाई क्या बोल रहे हैं। आई सेड 5-7 साल बाद ये अपने बच्चों के साथ बैठ के फिर से गोलमाल दिख रही होगी। मैं क्या बोलूं, उसको भूल जाओ, मैंने वो नहीं बोला, बट नहीं बहुत बहुत ही सरियल फीलिंग है कि मैं यहाँ हूँ। मैं न्यूयॉर्क में थी जब मुझे फ़ोन आया कि रोहित शेट्टी वॉन्ट्स टू मीट यू, और मुझे लगा कि कोई और रोहित शेट्टी है, क्योंकि ऑब्वियसली वाई विल ही वॉन्ट टू मीट मी, लाइक आई कुडंट थिंक ऑफ एनी फिल्म दैट यू नो ही वुड थिंक आई वॉज राइट फॉर, बट इट वॉज हिम। और मैं उनसे मिलने गई एंड आई कुडंट बिलीव इट, मैं उनको बोल रही थी कि सर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, क्योंकि जब तक मैं साइन नहीं करूँगी आई वॉन्ट बिलीव दैट आई एम इन दिस फिल्म।
But I'm so happy. Thank you, sir, for casting me in this film because it's given me so many friends. These mad boys are genuinely the perfect choices for this film because ye log apni puri life pranks mein aur logon ka mazak udane mein spend karte hain aur beech mein acting karte hain. Kya bol rahi hai yaar ye? Mat kare sir. Kar rahi hai, khich rahi hai. Main sach bol rahi hu guys, I'm telling you. But thank you so much. It's been a blast and I just hope you all enjoy the film when you watch it. I know you will. I want to thank the writers. Yes. Sajid bhai, Farhad bhai, Yunus bhai. They've been so great. They've been fantastic. Please give them a big hand. Johnny bhai, okay. Shooting nahi karte the. Isko zyada seriously baat le le raha tu. Shreyas, isme Lakshman jo character hai, wo waqai darta hai. Itna darta hai yaar. Matlab darne ki had hoti hai yaar. Lakshman to hamesha darta hai yaar. और इतना खतरनाक नहीं इसमें मैं डरता हूँ लक्ष्मण देखिए जस्ट सो दैट टाइम क्लियर आप मुझे जल्दी बताओ आप कौन सा ट्रेलर देख रहे थे एक मिनट इनको जरा वापस एक बार ट्रेलर दिखाना प्लीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो डराता है इंसान ना सच में वो बहुत डरता है तभी वो किसी को डरा सकता है और जिस कन, जिस इस अंदाज में अनुराग ना कवर अप कर रहे हैं अनुराग लेस बांध दे यार अब तो बांध दिया यार क्या कर रहे हो सीरियसली बांध लिया सब दूर के सब कुछ बांध लिया मैंने मैं इसमें इनफैक्ट उल्टा है इक्वेशन जैसे आपने देखा होगा कि अजय भाई डरते हैं और मैं उनको थोड़ा सा संभालने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें बट ऑफ कोर्स मैं सब सब कुछ अभी यहाँ नहीं बता सकता आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या कुणाल इसमें क्या करेक्टर है क्या हो रहा है इसमें इसमें मस्ती हो रही है मैं एक्चुअली कहना चाहता था एक तो देखिए आप इतने सारे एक्टर हैं कि एक ही आंसर देते देते आप भी बोर हो गए समझिए कि राइटर्स और डायरेक्टर ने किस तरह मैनेज किया होगा सबको लेकिन आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम इन द थर्ड पार्ट जब मैं गया था मुझे याद है जब मैं सेट पे गया था तो मैंने इतनी सारी भीड़ और इतने सारे लोग देखे थे ना मुझे ऐसा लगा था पहला दिन कॉलेज का है और मैं न्यू कमर हूँ और अभी यहाँ पे रैगिंग हो सकती है और एक्चुअली द होल एटमोसफियर ऑन द सेट इज एक्चुअली लाइक बींग इन कॉलेज बिकॉज एवरीबडी इज हैविंग सो मच फन इन द फर्स्ट फ्यू डेज यू माइट फील लाइक थोड़ी रैगिंग हो रही है लेकिन देन यू हैव टू बिकम अ पार्ट ऑफ द टीम एंड आई हैव टू से दैट वंस द फिल्म इज ओवर इट्स अ बिटर स्वीट मोमेंट और जब तीसरी खत्म हुई एंड आई सॉ द फिल्म आई एंजॉयड इट सो मच जब चौथी का फोन आया आई वॉज सो एक्साइटेड आई न्यू इट्स गोना बी सो मच फन एंड लाइक तुषार सेड इट्स एक्चुअली लाइक अ पेड वेकेशन फॉर अस बिकॉज नॉट ओनली डू वी शूट टुगेदर वी ईट टुगेदर we used to play volleyball together everybody ADs and the whole team and the crew and we used to work out together and it used to be so much fun that when it comes to an end thankfully we also make a good film otherwise we'd be like chalo shooting khatam ho gayi ab chup jate hain pata nahi kaisi picture bani hai but thankfully right now we're excited about this but also we all miss the time that we spent on the sets and I think that's why we'll always be after the this one comes out we'll be like Rohit अब गोलमाल 5 कब बनेगी रोहित सर आपसे सवाल है कि सभी सितारों को ट्रेलर में फिट करके सबके संवाद और सबकी झलक दिखाना मुश्किल था आसान था क्योंकि आपने सबको एक जगह मुश्किल हो जाता है इतनों के साथ फिल्म बनाना मुश्किल हो जाता है मुश्किल था लेकिन सब कैरेक्टर्स दिखाना जरूरी है बिकॉज सारे ही एक इन अ वे एक आइकॉनिक कैरेक्टर्स है बिकॉज सैटेलाइट पर फिल्म इतनी आ चुकी है इनमें से अभी दो चार तो आए नहीं है शायद सो डिफिकल्ट था बट माय एडिटर कहाँ है वंटी पाजी यहाँ बैठे हैं इन्होंने प्रोमो बनाया एंड एक और आदमी परेशान हुआ करता था जमॉन माय कैमरामैन को एक फ्रेम मतलब कोई ऐसा फ्रेम मैंने लगाया नहीं जिसमें 18 लोग नहीं है तो ये बेचारा सबसे ज्यादा परेशान कैमरामैन हुआ मैं हमको बुलाऊंगा अभी थोड़ी देर में ऊपर हाय रोहित ओवर हियर स्ट्रेट रोहित लंबी मतलब कितनी वो तो उस कहानी पे होता है लेंस से कोई लेना देना होता नहीं रोहित सर ओवर योर स्ट्रेट सर यू नो फिल्म्स लाइक गोलमाल द कॉमेडी फिल्म्स लाइक गोलमाल आर द वंस विच डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस टीवी एवरीवेयर बट वी डोंट सी मेनी डायरेक्टर्स इन टुडेज टाइम मेकिंग कॉमेडी फिल्म्स व्हाई डू यू अच्छा है ना क्यों चाहता है कॉम्पिटिशन हो यार है ना हम दो लोग हैं ना करते ना साजिद फरहाद और रोहित शेट्टी बस हो गया डेविड सर एक है अभी जुड़वाएगी बस दो तीन है हम लोग Rohit, this is a genre which needs to be explored more because the industry as such don't get many hits except the ones which are commercial entertainers in two sense. Kya bolu main? You know, the fact is, it's not very easy to write comedy. That's the truth. So a lot of people attempt, try it and fail miserably. Very few have managed to succeed and do good comedies. It's not easy to write it. Everybody thinks, you know, that you can crack two jokes so you can write a comedy film. No, let me tell you, it's very, very difficult to write a comedy film.
And Rohit, so you know, first Golmaal released in 2006, second in 8, third in 10, and then it took you 7 years. What was the reason for such a long gap? Waiting for the right story, okay, because we don't want to cheat the audience. मतलब के सिर्फ गोलमाल ब्रांड के ब्रांड है तो कुछ भी बना लो सो वी क्रैक लाइक वी टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रैक द स्टोरी एंड बाय जब हुआ तो देन वी मेड द फिल्म रोहित जी हियर जो आपका टैगलाइन है लॉजिक के बगैर तो ऐसा मैजिक हो ही नहीं सकता तो आपको जब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट आप किस पे रहते हैं अपने स्टार कास्ट पे या स्टोरी पे सब पे हर चीज जरूरी होती है एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट स्टोरी स्टोरी के बाद स्टार कास्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि स्टार कास्ट क्योंकि स्टार कास्ट भी ऑब्वियसली स्टोरी स्टोरी करेक्ट होगी तो ही स्टार कास्ट चलेगी मुझे ऐसा कोई दिन याद नहीं है जिस दिन प्रैंक नहीं था मुझे वो दिन याद करना पड़ेगा बिकॉज एवरी सिंगल डे आई हैव सेड दिस बिफोर बट आई विल से इट अगेन फॉर दोज हू हैवन हर्ड इट दीज फाइव बॉयज एंड रोहित सर दे स्पेंड टाइम मनी एंड डेडिकेशन टू प्लानिंग प्रैंक्स देयर इज अ सेपरेट प्रैंक्स डिपार्टमेंट आई थिंक वो लोग रात को सीन तो सोच के आते हैं बट ये भी सोचते हैं कि अगले दिन क्या करना है मतलब श्रेयस के कान के पीछे पटाखे फोड़े गए हैं मुझे गलत डायरेक्शन दी गई है जहाँ मैं सीन में कुछ अटपटांग कर रही हूँ और पूरे क्रू को पता है सिर्फ मुझे नहीं पता और मैं कुछ अजीब सा कुछ कर रही थी सीन में एंड द होल क्रू स्टार्टेड लाफिंग अजय सर इज द मोस्ट डेंजरस गाय लाइक यू हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक के इज ही अराउंड इज ही डूइंग समथिंग एंड दे डू इट एंड देन दे वॉक आउट जैसे कुछ हुआ ही नहीं है सो I think I've become a stronger person after अभी ही कर रहे हैं प्रेस वाले नहीं बैठे सब जूनियर आर्टिस्ट हैं नहीं इसलिए लाइट चालू कर रखी हम लोगों ने स्पेशल लाइट मंगाई हम लोगों ने oh god as you can see इसको समझाने की बहुत कोशिश की थी हम लोगों ने but she didn't take us seriously They are very scared of going with me. Yeah, she's an equal actually. She's really an equal to them. मैं अब सब इनकी फाइल खुल गई है मेरे सामने, तो मैं अब नहीं आती इन लोगों के. Innocent me. These five boys are not innocent at all, including Rohit sir. Johnny bhai is the most innocent. Johnny bhai actually. Yeah. Actually, Ajay is, but he's just a good actor. You don't know the difference. Tabu ma'am, here. So, you know, people actually associate you with a lot of stronger, intense roles. But that's why it was great for me to do this. Yeah, in person, you're completely different. So, was this a welcome change, closer to what you're in real life? What is the what? What is the welcome change? Because you've been doing in a this film. Yeah. So, this bar mein phas gayi yaar. So the change was that everybody around me was having fun while working and there was nobody who took themselves so seriously and nobody even took me so seriously. So I think that's why I had so much fun and I really, it was time for me to have this kind of experience. I was really waiting and I was completely ready to have an experience like this professionally and personally. So in both ways, it was really like a relaxing experience for me, which I didn't have to think so much about what I have to do because Rohit is so clear, like someone already said, that I had to just go and do it. Of course, maine pakaya thoda, tattoo ki, but then after 2 days, I was like, chalo, I just do whatever. I'm just having fun here. Ajay bhai, ye normally, ye prank kon design kon karta hai? Nahin, sir, aap se pooch raha hoon, sirf jankari ke liye. Haan, aap se, ki kon design karta hai aur phir kon execute karta hai, kya hota hai? Kuch bhi design nahi hota hai, yaar, sab masti mazak spontaneously hota hai, aise kuch plan karke, जैसे कि परी कह रही थी कि एक रात को पहले प्लान होता है ऐसी प्लानिंग नहीं होती उसी वक्त स्पॉन्टेनियस अच्छा मैजिक होता है लॉजिक नहीं होता है ओ, क्या बात है क्योंकि इतने इनोसेंट अजय जी दिखते हैं यार लोग ऐसे ही बोलते हैं इसलिए मैं नहीं क्या होता है सेट पे ऐसे बैठे बैठे नजर आ जाता है कि किसके शक्ल पे सी लिखा हुआ है तो मैं सोच लो कैरेक्टर हाँ मतलब कैरेक्टर ढूंढते हैं ना सही बात है सेट पे अच्छा नहीं
कैरेक्टर अरे हेडलाइन बन जाएगा। एक सेकंड परी ने अजय को सीखा। एक सेकंड एक माइक चल रहा है क्या? मैंने कहा हम सबकी बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें कभी परी भी है, कभी मैं भी हूँ, कभी तुषार भी है, अर्शद भी है, रोहित भी है, हम सब इसमें कभी ना कभी फंसते रहते। कैरेक्टर है, लोग गलत समझ रहे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि जैसे जॉनी भाई कह रहे थे ना कि पार्ट 3 से पार्ट 4 में बहुत बदलाव आ गया, दुनिया बदल गई है, इंडिया बदल गया है, सो लकी का कैरेक्टर क्यों नहीं बदलेगा? तो तुषार इसमें बोल रहे हैं आप, बोल रहे हैं इसमें पूरी फिल्म में? आपने जो ट्रेलर में देखा है अब एंजॉय करो ना, उसके आगे क्या मतलब पूरी फिल्म भड़क जाएगा तुषार सर। सर सॉरी सर, दो सवाल के बाद मार देगा तेरे को, बोलने का नाम लिया नहीं कि भड़क गया भाई मेरा। नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी, कोई नहीं पूछेगा क्वेश्चन बोलने के ऊपर। अनुराग के साथ मेरा 36 का कार्ड मान लीजिए पुराने जमाने से। After a long time, I just did Drishyam. Yeah, we did Drishyam. Oh, but yeah. Nowadays, even last week is a long time. Ye question puchiye. Sorry to interrupt. Next part of the question. Are ghabrao? Excuse me. Sorry. This is Harsha from Absolute. My question is for Parineeti. Parineeti. Yes. आपके पैर पे जो चोट लगी हुई है। Oh, hi. और हाँ। आपके पैर पे जो चोट लगी हुई है ये शूट के दौरान लगी है या मतलब कैसे लगी, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, घर पे घर ये दौड़ते हुए आ रही थी अभी देखने के लिए, बहुत एक्साइटेड थी। नहीं एक्चुअली 3 हफ्ते पहले ग्लास ब्लास्टेड अंडर माय फुट, तो वो बहुत अच्छा फिल्म में नहीं हुआ ना, तो आ जाएगा रोहित शेट्टी ब्लास्टेड फिल्म में नहीं हुआ। हां मेरा कोई लेना देना नहीं भाई। नहीं नहीं घर पे हुआ, घर पे हुआ, बट स्टिचेस लगे हुए हैं, सो आई एम जस्ट शोले देख रही थी। रोहित नो आई एम ऑन डिटॉक्स इन दिस फिल्म एक्चुअली ही हैड प्लान टू ब्लो अप अ लॉट ऑफ कार्स बट देन ही स्टॉप्ड आफ्टर द जीएसटी द कार्स बिकेम परिणीति परिणीति यो सेंटर मनीषा यो फ्रॉम इंडिया टाइम्स कैन यू सी मी हाय हाय यू नो परिणीति एक्टर्स इमेज इज ऑलवेज मिसकंस्ट्रूड बाय द ऑडियंसेस एंड वन ऑफ द क्लासिक एग्जांपल इज द रीसेंट वायरल पिक्चर्स ऑफ माहिरा खान हु माहिरा खान इज शी इन आवर फिल्म I don't know about these pictures. Yeah, there is one picture where she's been spotted smoking and wearing a short dress and people are slut-shaming her. And she was spotted with Ranbir. Forget about Ranbir. I'm just saying that, isn't it shocking that even today how people judge a woman by she's smoking or they are calling her a hypocrite and they are slut-shaming. No, this film is not, sir. I mean, it's not to do with our film, but I think, yeah. But I'll just say one line. I don't want to answer a question, but yeah, it is a little unfair, and everybody knows it's unfair, and it will stop in its you can today because of social media, everything becomes too big a deal. Johnny bhai, इस फिल्म में काम करना, अपने आप में आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे बहुत बढ़िया, मतलब ये सेट पे भी ऐसे होता था, ऐसे आप लोगों को आप जोक सुनाते हैं, जोक आपको सुनाते हैं, ऐसा होता है क्या? जोक आपको सुनाते अनुराग अजय भाई के सामने कोई कुछ नहीं बोलता। अजय भाई क्या मतलब यार, प्रैंक की बात आती है, आपका नाम आता है, ऐसा वन लाइनर मारता है, ऐसा ऐसा वन लाइनर मारता है, आपने देखा भी, इनके सामने कुछ बोलना पंगे लेना है, हम लोग बहुत सोच समझ के बोलते हैं। नहीं लेकिन जनरली जब भी हम बैठे होते हैं मैं आपको बता दूं भी, तो हम सब जॉनी भाई को ढूंढते हैं, जॉनी भाई को सुनाओ और सेट पे बहुत डेफिनेटली हम लोग एंजॉय करते हैं यार, बहुत एंजॉय करते हैं। आप एंजॉय नहीं करें तो देखो हम लोग हंसते खेलते फिल्म बना, इसलिए फिल्म अच्छी बनती है। किसी की हिम्मत है कि आपको कोई जोक सुनाए इनमें से? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, सब छुपे रिश्ते लेकिन है, कई लोग ऐसे अपने आप को पता चलेगा समझते हैं, कई लोग हैं जो बहुत क्या कह रहा है, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, जॉनी भाई को मिमिक्री करके दिखाते हैं। अच्छा इनके सामने जोक सुनाते हैं, इनकी मिमिक्री करते हैं। रिलैक्स, पता है एक बार इनका एक एल्बम निकला हुआ है, जी जी जी, इन्होंने बहुत अच्छा गाया है, इसमें कोई शक नहीं, तो सबको सुना, हमने भी गाना सुना, सेट पे बैठे हुए सब सुने, जैसे सीरियसली सब सुने और एंजॉय किए। वो यार एक फोटो ले, चलो ट्विटर पे भेजते, ट्विटर पे डाल लेंगे। परिणीति आगे बैठी हुई सब और सब लोग, परिणीति आगे
और हम लोग पीछे है और हमको इशारा किया और हम लोग सब सो रहे इनको पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, यानी कि इनका गाना सुन के हमको नींद आ गया नींद आ गई जैसे उनको पूछा यार तुम्हारी खोपड़ी में ऐसी बात आती कैसे बोले भाई सीधा सीधा क्या करना है यार कुछ उल्टा करो और मजा आएगा और लोग देखेंगे लोग फन के साथ देखेंगे तो ऐसी खोपड़ी चलती है इनकी मेरा जैसा है स्पेंडिंग टाइम विद जॉनी भाई वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस फिल्म जॉनी भाई थैंक यू फॉर दोस मोमेंट्स क्या बात अजय सर हियर सर द गोलमाल हियर इन द सेंटर So the Golmaal franchise is synonymous with comedy as well as some breathtaking action sequences. But we see all these incidents of road rage happening. So perhaps if you could give your fans a little one or two lines on road safety. You know, we keep doing that on the net. And if you go on my this thing also, you'll see what I have to say. This is not the right place to say it. Reliance aur Sangeeta ji se ye sawal hai. Diwali release hai. Aap log ka kya planning hai? Kitne theaters? So, definitely this will be one of the widest release. As of now, we have been planning to go as wide as close to 4,000 screen in the country. And in overseas, we are planning to go at least 70 plus countries. We definitely, this will be the, in terms of sheer number of releases, this will be the biggest release of this franchise. And It is nothing for credit to us. It is the content and the makers who have made it. Ajay sir, center. मेरा सवाल दरअसल ये जो टीम है परमानेंट टीम है गोलमाल की उन सबसे है कि जो जब आप एक किरदार में जाते हो एक किरदार जो आप ऑलरेडी निभा चुके हैं पहले भी एक बार दो बार तीन बार उस पर वापस लौटना आसान होता है या नहीं बिल्कुल आसान नहीं होता इनफैक्ट जब हमने लास्ट को कितने चार पाँच पाँच सात साल हुए तो जब पहले दिन जब मैं भी सेट पे पहुंचा तो एक सीन था जैसे रोहित ने बताया हम लोगों करने के लिए तो हम सब ने एक रिहर्सल की तो रोहित ने बोला पहले एक काम करते हैं उसने 3 का डीवीडी मंगाया और एक सीन लगाया तो हम लोग सब परेशान हो गए थे क्योंकि हम उस पिच पे पहुंचने में हमको हम पहुंच नहीं पा रहे थे जो हमने उस वक्त किया था आफ्टर सीइंग दैट सीन वी डिसाइडेड हाउ वील गो देयर अदरवाइज यू नो 7 साल बाद वही सेम पिच पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता हम सबके लिए हुआ था फर्स्ट डे एंड रोहित जैसे आप परिणीति ने खुद कहा कि वो हैरान थी जब उन्होंने जब आपने उनको फोन किया इस फिल्म के लिए तो कास्टिंग के बारे में मैं खासतौर पर तब्बू जी एंड परिणीति को चूज करने का क्या रीजन रहा कैसे आपने आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाई परिणीति एंड वाई तब्बू और हैरान थी फोन आया नहीं करना चाह रही थी करना चाह रही थी समझ में नहीं आया अच्छा एक हमारे स्टार है थोड़ा लेट आए हैं आप सब जानते हैं आओ ना सर सोलो फोटो बाद में प्लीज सोलो फोटो बाद में जेमॉन वेयर जेमॉन माय कैमरामैन इज वेरी शाय ही कम जेमॉन व्हाट डू यू आर सर करना पड़ेगा ये सब बंटी आओ पाज माय एडिटर ऑल्सो जो आपने एक सवाल पहले पूछा था कि रोहित सर हम सबको कैसे मैनेज करते हैं आई डोंट थिंक ही वुड बी एबल टू डू इट विदाउट ऑल हिज एडीज Which is like a big army. So all you ADs, take a bow. All of you. Tutega. We are nothing without you, and I don't think this film would have been possible without all you mad people. Stand up. Stand. Guys, give them a big hand, yeah. Yo, come on. Idhar aao. Zona thani honi chahiye. Come on. Oh, Nori. Okay, or the question? Photo. Aaiye. Thank you, guys.